फेरि पनि स्वागत छ आपलाई फिल्मी किरोमा। अब कुराकानी गरौँ अलिकति एउटा फिल्मी चटनीको बारेमा। यो फिल्मी चटनी अरू बेलाको भन्दा फरक खाले चटनी छ। किन भन्दाखेरि एउटा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि मसँग झन्डै झन्डै अनुहार मिल्ने एकजना व्यक्तिले धेरै पहिला यो चाहिँ बलिउडका नायक राजकुमारसँग सँगै अभिनय गरेका रहेछन्। पुरा उनीहरूको अभिनयमा टक्राव छ एकदम पुरा। कसको खतरा डायलग दिने, कसको खतरा डायलग दिने भन्ने यो कता कताबाट मैले पत्ता लगाएँ र तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु फिल्मी चटनीमा। हम तुम्हें देख कर हैरान नहीं हुए वीर सिंह। हम भी तुम्हें देख के हैरान नहीं हुए राजेश्वर सिंह। तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। तुम तो अब अवकाश में आए हो। तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। वो तो हम बरसों से देखा है। अगर दम है तो मेरे सीने पर गोली चला। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। तो क्या लेते हो? बियर, व्हिस्की और नींद की गोली। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। एक तुम्हारा ख्याल कभी पूरा हो नहीं सकता। लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। वो बंदूक भी तुम्हारी नहीं होगी, वो गोली भी तुम्हारी नहीं होगी और वक्त भी तुम्हारी नहीं होगी। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह। वक्त नहीं, हमें एरोप्लेन लाएगा राजेश्वर सिंह। आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है और ये सारा शहर भी हमारा है। क्या कर सकते हो तुम? आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर सिंह के सीने पर पहली गोली कौन चलाता है। हम चलाएंगे तुम्हारे सीने पर गोली, लेकिन वक्त आने के बाद। अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो आजको फिल्मी किरोको प्याकेज? फिल्मी किरो भित्रको फिल्मी किरो, फिल्मी चक्कर, त्यसै गरी फिल्मी चटनी, सल्लाह सुझाव हामीलाई अवश्य पनि पठाउनुहोस्। केही कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। राम्रो छ भने सबैलाई भनिदिनुहोस्, नराम्रो छ भने खटाखटा खटक गरेर हामीलाई पठाइदिनुहोस् भन्दै तपाईँहरू सबलाई धन्यवाद दिँदै फिल्मी किरो भन्छ बाई। यो पनि थाहा छ, त्यो पनि थाहा छ, हाम्रो फिल्ममा के कुरा भाछ भाछ। यो पनि थाहा छ, त्यो पनि थाहा छ, हाम्रो फिल्ममा के कुरा भाछ। ए बन्नु थियो हिरो, बोली बचन पिरो, ए फिल्मी किरो, ए फिल्मी किरो, ए फिल्मी किरो।